मेरा नाम नौशीन अली है, मैं उमंग पोइट्री की फाउंडर और एडिटर की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ। उमंग पोइट्री एक अदबी जस्तजू है, एक अदबी तहकीक है, जिसका मकसद पाकिस्तान में और बड़े सगीर में जो मौजूदा शायराना फ़िक्र है उसको प्रमोट करना है, उस पर डायलॉग करना है, उसकी अक्कासी करना है वीडियो के ज़रिए, ट्रांसलेशंस के ज़रिए और इवेंट्स के ज़रिए। अगर आप उमंग पोइट्री के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यू कैन विज़िट umangpoetry.org एंड यू कैन ऑल्सो विज़िट आर फेसबुक पेज विच इज़ उमंग पोइट्री। आज का जो इवेंट है वो नसरीन अंजुम भट्टी की याद में है। नसरीन अंजुम भट्टी पाकिस्तान की मारूफ इनकलाबी फेमिनिस्ट शायरा थी। यहाँ जो थिएटर ग्रुप है उनमें से काफ़ी लोग उन्हें जानते थे। नसरीन की फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। वो पिछले जनवरी हमें छोड़ गई और जब चूँकि आज इनकी जनवरी में उनकी फ़र्स्ट ईयर डेथ एनिवर्सरी है तो उनकी फैमिली से डिस्कशन चल रहा था कि मेमोरियल एक इवेंट होना चाहिए। और उनकी जो सिस्टर हैं परवीन यहाँ मौजूद हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ आज तशरीफ़ ला सके हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए जो नसरीन के काम की नुमाइंदगी करे, उनकी पॉलिटिक्स को प्रमोट करे। तो उसी स्पिरिट में फिर पता चला कि द संगत फेमिनिस्ट पीपल्स थिएटर ग्रुप इज़ ऑन अ टूर डे सिंध और वो हैदराबाद तक आ ही रहे हैं। तो बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस हुआ कि वी कुड कम्बाइन द टू इवेंट्स। नसरीन और संगत में एक ये भी कनेक्शन है नजम हुसैन सैयद साहब का, जो पाकिस्तान के और पंजाब के वेटरन वेनरेटेड पोइट हैं। नसरीन उन्हीं की संगत का हिस्सा थी और जो संगत थिएटर ग्रुप है वो नजम साहब के प्लेज भी परफॉर्म करता है, उनके काम को भी परफॉर्म करता है। सो विदाउट फर्दर अडू आई विल पास द माइक टू हुमा सफदर जी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ बोथ द प्लेज दैट यू विल सी टुडे। लाहौर से 24 लोग भावलपुर, खैरपुर और हैदराबाद का सफ़र तय करते हुए कराची बहुत शॉर्ट नोटिस पर पहुंच पाए। अ बिग अप्लॉज फॉर दीज वंडरफुल परफॉर्मर्स हु हैव कम ऑल द वे। मैं थोड़ा फॉर्मेट बताते चलूँ। पहले एक प्ले होगा, उसके बाद म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होगी जिनमें जो ग्रुप है वो नसरीन अंजुम भट्टी ही की काफ़ी गाएंगे, और उसके बाद दूसरा प्ले होगा। हुमा जी दोनों प्ले का मुख्तसर सा तारुफ देंगी और अपने थिएटर ग्रुप के बारे में भी बताएंगी। आफ्टर द टू प्लेस देर विल बी अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद दीज म्यूजिशंस आर अ ट्रीट, वील हैव अ फ्री स्टाइल म्यूजिक सेशन फॉर दोज हु वॉन्ट टू स्टे। सो द इवेंट विल कंटिन्यू टिल लेटर। थैंक यू, वेलकम। शुक्रिया, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। हम लोग एक थिएटर ग्रुप हैं जो कि एक लिटरेचर के ग्रुप के बीच में से ही इमर्ज हुआ है, और ये कोई 40 साल का काम है और कोई 3 जनरेशंस का काम है। सो ये कोई अचानक नहीं है कि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। एक बात जो यहाँ आने की है वो मैं ये करना चाहती हूँ आपके साथ ज़रूर, कि हमारे लाहौर में जब भी कोई हिंदुस्तान से आता है तो हम लोग बहुत एक्साइट होते हैं कि जी अब सरहद पार हुई है, कुछ ब्रेक हुआ है, कुछ टूटा है। तो ऐसे ही पता नहीं यहाँ आते हुए भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम कोई सरहद पार की है और पता नहीं वो सरहद है या कोई ख्याल में है कि दिल में है, कहाँ है वो सरहद, लेकिन कुछ पार ज़रूर किया, कुछ तोड़ा ज़रूर है। सो एक तो हम क्योंकि एक पंजाबी प्लेस कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी उस पर एक्सप्लेनेशन देने चाहती हूँ कि इस ग्रुप का जो पर्सपेक्टिव है ज़बान पे और ज़बान की सियासत पे, वो मैं कोई लंबा चौड़ा नहीं देना चाहती, लेकिन वो कोई तंग नज़री पे मबनी नहीं है। हमें सारी बोलियों से प्यार है और हम समझते हैं कि बोलियों का सवाल तो असल में इंसान का सवाल है कि उसने अपनी एलियनेशन को कैसे ख़त्म करना है। सो हम अपनी एलियनेशन को यहाँ मैं पीछे हो जाती हूँ शायद। सो एक हमारे लिए तो ये भी सवाल जो है वो कुछ
झाड़ने के लिए कुछ यू गेट रिड ऑफ ब्लॉकेट्स का हिस्सा है. सो हम समझते हैं कि जो फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है, उसके करीब तरीन होने के लिए सारी बोलियों की आपस में कोई मुकाबलाबाजी या कंपटीशन या सुपीरियरिटी का और इन्फीरियरिटी का इशू नहीं है. कोई रूल करने का और कंट्रोल करने का ये हमारे लिए लैंग्वेज इशू नहीं है. सो हम सिंधी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर कुछ किताबें रखी हैं. इस पे भी कई सालों से काम हो रहा है कि इस संगत में हमने नानक से लेके नानक यूसुफ तक को टच किया है. इस संगत ने रेगुलर बेसिस पे, ये भी कोई ऐसे ही टूटा सा कभी कभी ऐसा काम नहीं है. ये बहुत रेगुलर वीकली सीरियस मीटिंग्स हैं जिसमें एक वक्त में 8 लाइनें या 10 लाइनें एक दिन में हम सिर्फ टच करते हैं. एक काफ़ी, एक शब्द, एक श्लोक को, एक पीस, और उस पर बातचीत होती है. सो लतीफ़ को भी देखा, सच्चल को भी देखा, और यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं वो क्योंकि वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स नहीं हैं, तो वो बहुत पैशन के साथ इस काम को मेहनत के साथ करें. इनको 150 एक पोइट की पोइट्री, 150 कॉम्पोजिशंस भी याद हैं और लफ्ज़ भी याद हैं. सो अब हम पहले प्ले के बारे में थोड़ा सा तारुफ, इसलिए कि ज़ुबान का मसला ना पेश आए. पहला जो पीस हम करें, हमने बाबा बुल्ले शाह की एक काफ़ी संगत में ही पढ़ी, और फिर उस काफ़ी के अंदर से ये थिएटर निकला है, यानी कि एक पोएम में से एक नज़म का ये एक घंटे का ड्रामा बना है. और नज़म की पहली लाइन है, नी भुले शाह एक औरत बन के अपनी सहेली से बात कर रहे हैं. नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी. कुसुम्बड़ा एक फ्लावर है और ये फ्लावर पिकर्स हैं. ये सुर्ख रंग का एक फूल है जिसको अंग्रेज़ी में सैफ फ्लावर भी कहते हैं. ये लाल फूल है, इसको कि 2.5 फुट ऊंचा छोटा सा प्लांट है, लेकिन इसके कांटे बहुत लंबे और इसको ढूंढने के लिए जंगलों में भी जाना पड़ता है. सो ये उन औरतों का गीत है जो फूल चुगती हैं, और वो कहती हैं कि हम चुग चुग के, ये चुन चुन के हम थक गए. नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी, मैं थक गई हूँ ये फूल चुक चुक के. लेकिन उसकी थकावट की वजह क्या हो सकती है? क्या वो एलियनेशन है अपने काम से? नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी, काफ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो पहली एक तो रिफ्रेन है, रिफ्रेन तो यही है, नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी. उसके बाद वो सारी लाइनें जब आप देखते हैं, 5-7 लाइनें हैं सिर्फ, तो वो हर लाइन एक ख़ास तरह से एक सोशल स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर रही है. चुग चुग के मैं ढेरी कीता, मैंने एक ढेरी लगाई चुन चुन के लाल फूल को, लत्थे आण वपारी. तो उस ढेरी के ऊपर ऐसे जैसे शहद पे मक्खियाँ आती हैं, उस ढेरी के ऊपर उतरे हैं ये ट्रेडर्स. शायद यही वजह है नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी. फिर वो कहती है, वो ट्रेडर कोई 4 पैसे दे गए हैं उसको, ऐस कुसुम्बे दे 4 मुकद्दम मलबा मंग दे भारी. मलबा मंग दे, मलबा टैक्स. सो व्हाटएवर उसकी अर्निंग जो भी है, जो भी ट्रेडर्स ने उसको 4 पैसे दिए हैं, उसके ऊपर टैक्स भी देना. इससे अगला जो लाइन है, एस कुसुम्बेदा हाकिम करड़ा जालिम है पटवारी. नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी. तो हमें लगा कि ये उसका दुख जो है, इसके साथ साथ बाबा बुल्ले शाह तो बहुत कुछ उसको दिखा रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं.
सो इसका मतलब है कि इस काफी को किसी और तरह भी पढ़ना है, ये सिर्फ दुख नहीं है। तो फिर इसकी एक इंटरप्रिटेशन और हुई, मैं पहले पूरी काफी कर दूं, आगे उसकी पेन की बात थी कि होरना चुगया फोया फोया मैं भर लई पटारी, कि सबका पैशन छोटा छोटा था, थोड़ा थोड़ा उन्होंने चुगा और मैंने पूरी पटारी भर ली, मेरा पैशन इतना ज्यादा था। अब इसकी रम्स कुसुम्बे के अंदर ही है, ये क्या सिंबल है, कुसुम्बा लाल फूल है लेकिन इस फूल का से जो रंग निकलता है, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, वो रंग कच्चा। सो कुसुम्बा जो है पोइट्री में अलामत बना है उस खूबसूरती की, जो देखने में तुम दिल मोह लेती है लेकिन इस्तेमाल करने में वो पूरी नहीं होती। सो इसका रंग कच्चा है, उसको पानी लगे धूप लगे तो फीका हो जाता है, फेड हो जाता है। सो ये कुसुम्बे की कहानी हमारे पोइट्स ने ओवर एंड ओवर अगेन की है, शाह लतीफ ने भी इस्तेमाल किया, इसको उन्होंने खुम्बा किया शाह लतीफ ने, और बुल्ले शाह ने, और बाबा फरीद ने, नानक ने, इन सब ने कुसुम्बे पे पोइट्री की है, कुसुम्बे के कच्चे रंग के ऊपर। सो ये नज़म जो है उनके औखी घाटी मुश्किल पेंडा सिर पर गठड़ी भारी नीमे कुसुमड़ा चुन चुन हारी, जब हमने ये नज़म की और इसको पूरी तरह देखा तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है सोसाइटी का, तो हमने कहा ये तो फिर अवेयरनेस भी है, फिर तो उसको कॉन्शियस किया जा रहा है, फिर तो वो बहुत अवेयर है, फिर उसके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, तो फिर इसको और तरह पढ़ना चाहिए। सो पहले तो हम पढ़े नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी, चुग चुग के मैं ढेरी की था लत्थे आण व्यापारी, नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी, ऐस कुसुम्बे दे कंडे भले रे अड़ अड़ चुनरी पाड़ी, नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी। फिर हमने कहा ये काफ़ी नहीं है। सो इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि अगर वो अवेयर है तो फिर वो ये कह रही है नी मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी, वो नहीं मैं चुगती, उसका इनकार है मैं हारी। सो अब ये दो इंटरप्रिटेशंस के बीच में हमने एक प्ले बनाया है जिसको नजम हुसैन सैयद ने लिखा इस डिस्कशन के बाद, और अब हम पेश करते हैं इसकी। हमने दो कॉम्पोजिशंस की हैं यही दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले एक हमने रोंदू किस्म की तर्ज बनाई है ताकि उसका दुख उसका पेन सामने आए, और फिर हमने इसको दूसरी तरह कंपोज किया है, वही नज़म है लेकिन उसको हमने नाच बना दिया। शुक्रिया जी। चुगे चुगे के में
गीता लथे आणे वपारी चुग चुग के Hey.
काटी मुश्किल पेंडा सिर पर घटड़ी भारी औखी काटी मुश्किल कठिनी भारी कसो बड़ा चोड़ हारी। तू कुसुंबे का भी कुसेंस है कुसुंबा फुलिया है
तो
लगाई साड़ियां ते अखाई टक्कर ने काकी उमरा गल गईया ने चोला होवे ते पा अदपा घाटी कटे असा ते पूरे सर्द पैसे देने आ अगे चुवाई देनी है गट दा खर्चा वखरा है अगे लुहाई देनी है आरती अखा मत्थे ते धरी बैठे होंदे ने धीया दे काम ने पाऊ भरावा सीधी धीया वाले हो सारी समझ है तुहानू बस उन्हें की दिया अब गुना करी धिया करके ही आने आ फरक करने वाले कौन थे ते हाथी ना लाते मालू एल सब पैसे शेखुरा बनूंगी मन पे लेना ऐ तो हो रख तेरे टेंगे खास तू बटेरी है दिया वाली है आपको भाभी सानू ने दिया वर्गी है धराई दे शेखुरा ने धरो दिए गट गट दे आपको अपनी अपने चौधरी सानू ने
ਵਿਣ ਕੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸਹੇੜੀ ਆਈ ਕਾ ਨੂੰ ਐ ਸਿਆਪਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦੀ ਐ ਕੌਣ ਐ ਇਹਨੇ ਗੁਸਾਲ ਦੀ ਐ ਓ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਬੰਗਾ ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਏ ਹੜੋ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡ ਪਾਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰੇ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਨਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਲੋ ਤਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆਖੋ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਰੱਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਤਾਰਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੂਰੀ ਅਸਾਂ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਓ ਭਾਈ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਓਏ ਮਾਰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਮੁਦਈਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਕਮਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਓਚਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਉਂਦੋ ਨੇ Thank you.
बादशाह आपके दुहाई दे नियम असा कदे आखी ते की पे आप अपना बोलदा सानू ए हानिया करे ना सटाई चुप कर कोई होश कर आलमगीरी गजब तो डर और गजब की चुप कर ऐसा करे Thank you.
ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੀ
क्या मिलती है? छेड़ खेड़ भी कर लेंगे नस के शेर ना चिड़िया जागिए ओथे ते खुला ही बेच देंदे ने अपने बढ़िया होदियां ते शेर नौकरी चले वांझ पता करो ना कि मैं लगदियां ने नौकरियां होते कि मैं माँ पे तियां चलतियां कि मैं धीन दे लिखे थे ते कि मैं झूठ देने मुकदमे साकूता ਇਸ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਫਾਤਾ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੱਚਾ ਸੂ ਤੇ ਮੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪੱਕੀ ਸੂ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿੱਕ ਪੈ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਛੋਏ ਤੇ ਡੱਬ ਪੈ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਕੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੋਰੀ ਵੇਖੋ ਕੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਗਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਟਵਾਰ ਮੁਕਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਉਗਿਆ ਚੁਗਿਆ ਕਰੋ ਕੁਸੁੰਬਾ ਕਿਉਂ ਕੁਸੁੰਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਪਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ ਪਲਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰਾਂ ਪਸਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵੇ ਪਰ ਰਾਤ ਕਿਨੇ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੁਸੁੰਬੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਨੇ ਇਹੋ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀਆਂ ਤਖਤ ਤੇ ਤਖਤੇ ਇਹੋ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਤਾਂ सारी जग बैना मंजे जे असा कुसुंबा चुग ना देंगे रात सुक ना मंजे बदरंगी है ना दिया नाड़ा फेस्त्रे है ना कमली जग बैना मंजे ऐवे खिड़ाए साड़िया अंदरा विचो ना अंदर छेड़ता है ताँ बाहर निकल दिया हो ना चुगन की पे बूटियां ऐतियां विच मशाला जड़ियां बल्दियां ने धम्मी निमाशी साड़ियां अखी विच बल पौंदियां ने ओहा ताई ते लाखां पगड़ियां ने मुकदमा दिया ते ओ मोरा नाल ਕੀ
कोशिश ये है कि बांसुरी से ज़्यादा मेरी बात समझ आ जाए जो मैं बांसुरी से कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ अभी मेरी रियाजत कम भी होगी सारा कुछ, लेकिन बात जो मैंने कहनी है वो मुझे पता है। तो आप पूरिया कल्याण आपके सामने पहली तीन ताल में एक बंदिश उसकी पेश करूँगा और उसी में दो मैंने हर किसी ने ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस से गुजर के आता है, मैंने उसको बांसुरी में ज़रा पेश करने की कोशिश की जो अपने मेरे साथ हुए हैं कि जितने भी मुझे चीज़ें या जितने भी मुझे इंसिडेंट मिले हैं वो मुख्तलिफ सवालों की सूरत में मिले हैं, और मुझे फाइनली ये समझ आई कि मैं बताते खुद एक
जवाब उन सारी चीज़ों का, उन सारी बातों का, उन सारे सवालों का, उसको मैंने बांसुरी में कहा। इसमें एक जवाब होगा जो कि ये है, जबकि सवाल जो हैं वो मुख्तलिफ बदल के, तो आप उसको सुनिएगा। Oh,
बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की संगत तो नसरीन नंजम भट्टी साहिबा के नाम ही है। हमारा दूसरा जो नाटक है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने गानी थी उनकी एक काफ़ी अच्छा। तो नसरीन ने उर्दू में शायरी की, सिंधी में शायरी की और पंजाबी में भी शायरी की। उनकी पंजाबी शायरी की जो किताब है वो हमारी एक लोक दास्तान मिर्ज़ा साहिबा जो पीलू ने लिखी, उसमें से एक लाइन है, नी मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील। नसरीन का तन और मन नीलो नील था और ये नील कुल का जो दुख है, जो कुल की तकलीफ है, उसके नील थे, उसके तन पर भी और उसकी रूह पर भी। जब इस किताब की रुनमाई थी तब मैंने ये काफ़ी उनकी गाई थी उधर उनके सामने, और ये तर्ज हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। मैं उनको अपनी माँ समझता था, समझता हूँ। एक साल पहले मेरी माँ चली गई। भारत मैं गाता हूँ उनकी काफ़ी काफ़ी के बोल हैं जी। आप आई डोंट नो के कराची में पंजाबी की है। नी मैं बहुत इमोशनल हो गया, I'm sorry। सजना वे असा रातां डक डक रखियां। हमारे यहाँ की जो शायरी है उसमें रात मन मर्जी का टाइम है, दिन जग मर्जी का टाइम है, जिसमें हम रिस्क कमाते हैं, चाहे उसमें हमारी मर्जी हो या ना हो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन रात को हम कहानियाँ सुनते हैं, गाना गाते हैं, थिएटर करते हैं। तो बाबा फरीद साहब कहते हैं, रात को थूरी वंडिए सुतियाँ मिले ना भा, नैन जिना निंद्रावले तिना मिले कवा। सो वो कह रही हैं, सजना वे असा रातां डक डक रखियाँ। मैं सिर्फ दो शेर फिर उसके बाद गाऊँगा। हरफ ना लिखने आवण मैनू, कह रही मुझे लिखना ही नहीं आता। हरफ ना लिखने आवण मैनू, मैं लीक दी रही अखियां, सजना वे ऐसा रातां डक डक रखी। तो मैं पेश कर रहा हूं। रब जाने लुटन वाले केड़े रस्ते आए सन। सजना वे असा रातां डक डक रखिया। सजना वे असा रातां डक डक रखिया, रातां डक डक रखिया वे, रातां डक डक रखियां। सजना में असां
रातां ढक ढक रखियां। हरफ न लिखने आवण मैनू, हरफ न लिखने आवण मैनू, वे मैं लिख दी रहियां अखियां वे असां रातां ढक ढक रखियां, रातां ढक ढक रखियां वे रातां ढक ढक रखियां। सुफने बिच माही इक राती, सुफने बिच माही वे मैं गिलियां पूड़ियां कतियां वे असां रातां ढक ढक रखियां, रातां ढक ढक रखियां वे रातां ढक ढक रखियां। अर्जा पाया सावण मानू, अर्जा पाया सावण मानू, मेरी नगरी रेता वसिया वे असा रातां ढक ढक रखियां वे रातां ढक ढक रखियां। थल दे पांदी यार जिना दे आ, थल दे पांदी, थल दे पांदी, थल दे ते की वसियां वे असां रातां ढक ढक रखियां वे रातां ढक ढक रखियां। सजना वे रातां ढक ढक रखियां, सजना वे असां रातां ढक ढक रखियां।
बाकी का संगीत वारिस शाह के बाद। इस सिंबल को इस्तेमाल किया है और इसकी बहुत एक्सटेंसिव किस्म की रीडिंग्स होती रही हैं और इसके कहते हैं 40 रिटन वर्जन्स इस वक्त भी मौजूद हैं पंजाब में। इसके अलावा सचल ने भी, लतीफ ने भी, इन सब ने हीर पे शायरी की है। वारिस शाह की हीर हम ख़ास वक़्त के हीर समझते हैं। इसमें ये कुछ 632 बंद हैं, ये बंदों की शक्ल में है और बहुत ही एक्सटेंसिव किस्सा है। आज हमने उसमें से एक सिलेक्शन जो है इस वक्त आपके सामने पेश करेंगे। 1 घंटा 20 मिनट की ये सिलेक्शन है और इसके सिर्फ पहले 400 बंद में से वो सिलेक्शन की गई है। इस किस्से को खेलने का मकसद ये भी है कि इतनी फेमिलियर और इतनी पॉपुलर होने के बावजूद इसकी पूरी शक्ल अभी लोगों तक नहीं पहुंची कि ये पूरी शक्ल है क्या, जिसका कुछ हिस्से हम फिल्मों में या ड्रामों में कुछ हिस्से है उसके देखते हैं कि कोई लव स्टोरी है। सो आज उसकी पहली एफर्ट है कि वो थोड़ी सी शक्ल नज़र आए जो वारिस शाह ने लिखा। ये पहले 200 बंत में ही बहुत कुछ शुरू हो जाता है कि रांझे की कहानी है, रांझा एक बड़े बात बहुत बड़े चौधरी का बेटा है, उसके 8 भाई हैं और ये सबसे छोटा है और ये अपने भाइयों की चौधर और उनकी प्रॉपर्टी से उनका जो प्यार है उसका जुल्म का ये निशाना बनता है। सबसे छोटा भाई ये लाडला है और ये धीदो इसका नाम है, धीदो रांझा, और धीदो और धी का मतलब है बेटी, लड़कियों जैसा बेटियों जैसा ये रांझा है। सो इसका जो हीरो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में वो खूबसूरत है, नाजुक है और वंजली बजाता है, फ्लूट उसकी ख़ास पहचान है। सो चौधरी जो है वो फार्मिंग की जट होने की वजह से उसने अपनी पहचान नहीं बनाई या ज़मीनों से उसकी पहचान नहीं है बल्कि बांसुरी उसकी पहचान है। सो ये उस रांझे की कहानी है और ये कहानी शुरू होती है उसके घर छोड़ने से, जायदाद छोड़ने से शुरू होती है और हम जो हिस्सा दिखाएंगे उसमें उसकी भाभियों से हमने कहानी शुरू की है कि भाभी रांझे को ताने और मीने दे रही हैं कि ये काम काज नहीं करता और बस सिर्फ उसको लड़कियां फंसाने के शौक में म्यूज़िक करता है। फिर ये रांझे का एक सफ़र बन जाता है वो घर से निकलने के बाद और ये एक चौधरी के बेटे का फ़कीरी की तरफ सफ़र है। सो हम इसको कंक्लूड कर देते हैं जब वो फ़कीर बनता है। आज हम आपको इतना ही दिखाएंगे उसके फ़कीर बनने तक, लेकिन जो एस्पेक्ट फिल्मों में और वो चीज़ें सामने नहीं आईं कि रांझा वो यही एस्पेक्ट है कि वो धीदो है और वो एस्थेटिक्स, ब्यूटी और एसेंस की तलाश में है। सो एक जो एस्पेक्ट उसका है कि वो जब वो घर से निकलेगा तो वो किन किन लोगों से मिलता है और जहाँ जहाँ से वो गुज़रता है वहाँ उसका डायलॉग क्रिएट होता है। अपने घर की मालकी छोड़ने के बाद वो रात मस्जिद में गुजारता है और वहाँ मस्जिद में मुल्ला की मालकी के साथ उसका डायलॉग है। फिर वहाँ से वो निकलता है और दरिया पे आता है तो बोटमैन जो मल्लाह है उनके साथ उनका एक डायलॉग क्रिएट होता है जो कि बग़ैर पैसे के उसे पार ले जाने को तैयार नहीं है। फिर उसका हीर से डायलॉग होता है, हीर भी बहुत बड़े राठ की बहुत एक प्राउड खातून है, औरत है और वो पलंग पे अपनी मालकी छोड़ने को तैयार नहीं है। रांझे के आने से पहले उसकी मालकी उसका पलंग है, वो रिजर्व्ड सीट है उस बोट में जिसे कोई और हाथ नहीं लगा सकता और रांझा उस पे आके सो जाता है। सो शायद वो हीर की भी
जो बैकग्राउंड है उसके साथ भी वो थोड़ा सा क्लैश है, जिसमें ही ट्रांसफॉर्म होती है और फिर वो राठ की बेटी से आशिक बनती है। इसके बाद इसकी इश्क, इनका इश्क है, रांझा जो है वो चौधरी हीर के बाप यानी चूचक के घर मुलाजिम हो जाता है और उसकी भैंसें चराता है। ये पोजीशन वो चौधरी से चाकर तक आता है, इसके बाद उसने फकीरी तक जाना है। इनका इश्क पलता है और वहाँ पर एक जो यहाँ का विलन का रोल है वो उसका चाचा है कैदो, और वो लंगड़ा है और वो बहुत जेलस है और वो चुगली जो है हीर की चुगलियाँ करता है। सो वो एक कैरेक्टर है, उसके साथ हीर के अब डायलॉग्स शुरू होते हैं। सो हमने देखा है कि वारिस शाह ने एक्चुअली लिखा ही डायलॉग है। सो 10 बंद अगर वारिस ने दिए हैं मुल्ला और रांझे को, एक बंद मुल्ला बोलता है, एक रांझा बोलता है, एक मुल्ला बोलता है, एक रांझा, तो इसी तरह ये पूरी किताब जुड़ी है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के आपस में झेड़े डायलॉग्स हैं। सो फिर हीर के डायलॉग्स शुरू होते हैं अपने बाप के साथ, माँ के साथ, काजी के साथ, मुसलसल उनके ये उसका ट्रैवल शुरू होता है। और फिर रांझा को जब हीर की शादी ज़बरदस्ती काजी करवा देता है कहीं और, तो फिर एक और सफ़र शुरू होता है और फिर रांझा जोगी बनने की तरफ जाता है। और फिर उसके डायलॉग जोग से उसका जो गुरु है उसके साथ उसका क्लैश, कॉन्ट्रडिक्शंस बनते हैं और वहाँ पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिजॉल्व्स हैं उसके अंदर। रांझा जोग की डिग्री लेने आया और गुरु उसको परखेगा और किस तरह वो जोग हासिल करता है। आखिरी एपिसोड जो आज हम दिखाएंगे वो जब रांझा जोग लेके निकलता है तो उसको एक मर्द मिलता है जिससे हम समझते हैं कि ये इसका खास रंग है वारिस शाह का, कि उसने आशिक को और मर्द को दो अलग अलग हस्तियां बताया। और फिर मर्द और आशिक में डायलॉग होता है, मर्द को रिप्रेजेंट कर रहा है एक चरवाहा जो पेड़ां चारता है, बकरियां बकरियां जी, वो उसके साथ रांझे का डायलॉग है और वो उसको गैरत दिलाने की कोशिश करता है कि तुम हीर को छोड़ कैसे दिया तुमने, मर्द से तो उसको उठा के लाते। सो ये एक डायलॉग रांझे का अपने उस मर्द के साथ होता है। बहरहाल वो हीर तक पहुँचेगा और यहाँ पर हमने ख़त्म किया। सो हमने इसकी रीडिंग ये की थी कि रांझा मुसलसल को सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको के साथ क्लैश कर रहा है और उनको बेनकाब करता है। सो हम कंक्लूड करेंगे वारिस शाह के शेर पे, इस घुंड विच बहुत खराबियाँ ने अग लाई के घुंड नू साड़िए नी, यानी कि ये किसी औरत के घुंड की बात नहीं है, वो पर्दे उतार रहा है हर जगह से, घुंड उतार रहा है, घुंड कहते पर्दे को, वेल को। तो इस घुंड विच बहुत खराबियाँ ने अग लाई के घुंड नू साड़िए नी, तदों ए जहान सब नज़र आवे जदों घुंड नू जरा उतारिए नी, घुंड अन्या करे सुजाखियां नू, घुंड अन्या करे सुजाखियां नू, घुंड ला मुंह तो लाड़िए नी। सो मैं पूरे शेर नहीं बता रही, ले पूरा बंत जो है वो उस घुंड के को उतारने की जो गुस्सा है उसकी शक्ल, उस दुख की शक्ल है। सो हमें इस किस्से को एक और आंख से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हीर सच है, एसेंस है जिसके ऊपर से पर्दा हटाना है इस लव स्टोरी ने।
ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਫਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੂਕ ਮੰਗੂ ਜੋ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਬਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨਿਆ ਵੇ ਹੁਕਾ ਮੋੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਚੀਰਾ ਬਨ ਕੇ ਬਿਤੜੇ ਫਾਲ ਚੋਪੜ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣਾ ਫੇਰੀਆਂ ਘਤਨਾਏ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੂਣ ਜੇ ਪਵੇ ਕੋੜਾ ਚਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣਾ ਏ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੱਛਾ ਖਾ ਬਹੇ ਜਾੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਪਟਣਾ ਏ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਪਸੰਦ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ ਜਾ ਹੀ ਸਿਆਰ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਲੇ ਰੰਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਦਾ ਰਾਣੀ ਕੋਕਲਾ ਮੇਰੋ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਪੰਜਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਘਤ ਚਾਲੀ ਕਾਇ ਨਟੀ ਸਿਆਲਾ ਦੀ ਭਾਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕੜਨੀ ਪੋਈਓ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਕੜ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਓ ਡਾਲਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹਾਂ ਆਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਡਾਰੀਏ ਬਸ ਕਾਈ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰਿਓਂ ਦੇਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾ ਸਾਂ ਰੱਖ ਹੰਸ ਯਾਰੀਏ ਬਸ ਕਾਈ ਦੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਲੱਗ ਬੱਧਾ ਮਰੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘਾਰੀਏ ਬਸ ਕਾਈ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਦੇ ਫਿਰੇ ਗੁਮਾਨ ਲੱਦੀ ਸਮਝ ਮਸਤਹੰਕਾਰੀਏ ਬਸ ਕਾਈ Thank you.
ਰਾਂਝੀ ਆਖਿਆ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਬਾ ਮੇਕੂ ਚਾੜ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਭੈਣ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠਿੱਲ ਦੇ ਲੱਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇੜੀ ਠਿੱਲ ਦੇ ਲੱਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਤਾਂ ਕਰੇ ਰਾਂਝਾ ਤਰਲਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਜੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ
रुस आया हाँ नाल भाइया दे छट करा सबब दे वास्ते दे पैसा पैसा खोल के हाथ ये धरे मेरे दोती चाई के पार उतारना आते ठिक किया मुफ्त ये काम खावे चा मेरी उस मीन पे मारना जेड़ा कपड़ा दे ते नगद मैनू सबोस ते कम सवारना जोरा वरी जो मेरी जान बने अत वटन ढोंग के मारना डूमा फकीर अत मुफ्त खबरा पूरा कुत्तियां वांग दुदकारना वारे शाह जे हम पीर जादिया नू मुट्ठा मेरी दे विच ना मारना हा अंत नहीं डूब मरेगा ठिले ना सजना हो सेवंजी जनाना अंत नहीं डूब मरेगा ठिले ना सजना हो चार बोटियां ते असी ढिला कोई जान तो ढिले ना सजना वो साड़ियां अखियां दे विच बाग गिरी डेरा घट बोहिले ना सजना वो मरे शामिया तेरे चौखने हाँ सड़ा काल जसिले ना सजना वो मरेशा मिया तेरे चौखने हाँ सड़ा काल जसिले ना सजना
Hey.
सिर्फ बेटियां दे जा जुदा कर दे जुदा
ਦੀ ਜਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਈ ਡੂਮ ਢਾਡੀ ਪੈ ਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਪੋ ਉਸਨੂੰ ਕਰਕ ਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਪ ਸਾਡਾ ਬਨ ਬੇਟੀਆਂ ਭੋਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਛੋੜ ਦੇ
जड़े जड़े छट के राहलाल दी नूं तकड़ नजर हराम दी मारेंगे ओथे विच बाहे के नाल गुरदा पाप ते पुन निवारेंगे रोज हशर दे दोज ही पकड़ के ते घट अग दे विच निगारेंगे बस ना खिए भेड़िए नहीं
ਮੁੰਡਾ ਸਖਨਾ ਚਾਕ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਫੋਲੀਏ ਚੰਦਰੀਏ ਖੇੜੀਏ ਨੀ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰ ਕੀਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਸੁਚੜੇ ਦਾਗ ਨਾ ਛੇੜੀਏ ਨੀ ਇੱਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਹੋਈਏ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੇ ਨਬੇੜੀਏ ਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਏ ਰੱਬਾ ਮੇਲ ਤੋਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਣਿਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਮੇਲ ਤੋਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਣਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਸੰਜੋਗ ਨਾ ਗਲੇ ਮੂਲੇ
ਅਸੀਂ ਚੇਲੜੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਸਭ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਫਕਰ ਉਸ ਦੇ ਹਮ ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਜ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਸਤਬਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰ ਮੀਆਂ
ਦਾ ਜੋਗ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆ ਦਿਲ ਨਾ ਲੋੜੀਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਜੀਉ ਉਸ ਦਾ ਚਾ ਨਾ ਤੋੜੀਏ ਜੀ ਨਾਚ ਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿਹਾ ਰਾਂਝਣੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਜੂਝ ਕੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦਸ ਹੈ
जटी मार दास है बेच मार दे जी तेरा मेरा सी हीर सयाल ताई खबराम सिमिच संसार दे जी जा ना चाहे तो मार सकनगे केड़े हत चढ़े भूखे बार दे जिस केड़े आदे जरा खबर होवे जाए तत हजारे मार दे जा बाजा मता अखेड़े लाद करनी प्या दे बन ले जान सरकार दे जी मार चूर कर सटनी हद गोडे मरम गोल अजाब काशे जी अच्छा था कम पैगंबरा दा के हा अब शैतान बा कोले होई बेटा चा के तो होता जोड़ना है क्या कसम फकीर ने तोले होई अजी फकर अल्लाह दे नाम काले असा नाल की कोई ना खोले होई असुनी जाता रे सवाला उते जोगी होए के नजर भवा बैठो अजी सयाल दा यार मशहूरन जा मोजा मार के कान पड़ा बैठो खेड़े दयाल है मुंह मार तेरे सारी उम्र दी भीख लवा बैठो तेरे बैठिया तेरे बैठिया बेहाल है बैठे दाही परे दे बिच मुला बैठो मंग छड़िए ना जे जान होवे जग दई जग दई ओए जग दई
इस घुंड विच अगलाई के गुंड साड़िए गुंड हुसन दियाब छुपा वड़े गुंड वाली रण मारी इस गुंड विच बहुत खराबिया अग लाई के गुंड साड़िए गुंड आशिक दे बेड़े डोते जा नैना तारे के पिंजरे तारिए कदों ये जहान सब नजरा